इसमें देखेंगे 2020 का जो न्यू मॉडल है होंडा सीडी 70, उसके बारे में। अब यहाँ पे इस चीज़ें मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, इसमें और पुराने वाले में क्या फ़र्क है, इसकी प्राइस क्या है, ओल्ड वाले की प्राइस क्या है, और इसमें टोटल स्पेसिफिकेशंस क्या इंक्लूड की गई हैं, तमाम डिटेल्स आपको बताऊँगा मैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि पहले भी हमने काफ़ी अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड किए हैं इस हवाले से, तो वो काफ़ी दोस्तों को पसंद आई थी, तो मैंने कहा चलिए अब इस 2020 मॉडल वाले की भी एक वीडियो बना दी जाए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको टोटल दिखा दिया, अब इसमें कुछ अगर चेंजिंग लग रही है तो मुझे कोई इतनी खास चेंजिंग नहीं लग रही है, सिर्फ इन्होंने ऊपर वाला जो मीटर है, फ्रंट स्पीड मीटर है, उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा, और बाकी जैसे सबको पता है कि स्टिकर्स को थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसकी हब वगैरह और या फिर आप तारे वगैरह देख लें तो वही है जो पहले ही हुआ करती थी, और टोक मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि इन्होंने कोई मतलब इनका वेट बढ़ाया हो। ये देखिए जिस तरह से 4 प्लाई रेटिंग का टायर इनका पहले से आपको देखने को मिलता था, उसी तरह का टायर आपको देखने मिल रहा है, वही रिम्स हैं, वही सारी चीज़ें। कम से कम इनको चाहिए था कि लाइट्स का डिज़ाइन तो चेंज कर देते, लेकिन इन्होंने वो तक भी नहीं किया। अब इंजन की तरफ आ जाएँ तो इंजन को आप देखें, बिल्कुल वही इंजन है। अब यहाँ पे उसकी जो चौक वगैरह ये सारी सिस्टम भी वही ओल्ड वाला ही है। लेकिन अब एक जो चीज़ मुझे इसकी देखने को चेंजिंग में मिली है वो इसका कार्बोरेटर है। यहाँ पे देखें इसकी थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा के अच्छी कर दी गई है, बाकी इसमें कोई इतने खास चेंजेस नहीं है, लेकिन मतलब चलें एक ना एक फ़र्क तो है। बाकी उसके बाद यहाँ पे आप इसकी टोटल जो टैंकी है और आप नीचे वाली जो टापे वगैरह का डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे विंग्स वाला डिज़ाइन बना दिए गए। ये काफ़ी मतलब ऐसे वीडियो में तो थोड़ी सी अच्छी लग रही, लेकिन असल देखने में ठीक ही लगती, इतनी ज़्यादा प्यारी नहीं लगती, लेकिन मतलब जब भी कोई नई चीज़ आती है वो पहले पहले थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बना दी गई है। अब जब मैंने उनसे पूछा कि इसमें क्या क्या चेंजेज़ आई हैं और क्या क्या मतलब इसमें डिफरेंस है, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो इनका जो पिछला टायर है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की गई हैं, और ये जो बाइक है वो दूसरी बाइक से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है। अब जो ओल्ड, मैं आपको जो इनकी टोटल जो प्राइजेज हैं वो आपको बताता चलूँ, उनका जो मैं स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया था वो भी आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, लेकिन इसमें और ओल्ड वाले बाइक की प्राइस में कोई डिफरेंस भी नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और चेंजेस में मेजर किया गया, इस साइड पर देखें लॉक सिस्टम है, और जो टापे की दूसरी साइड है वहाँ पर सिर्फ इन्होंने क्या किया है, एक नट लगा दिया, और ये कह रहे थे कि हमने ये चेंजिंग की है। उसके बाद यहाँ पे जो पिछला टायर इसमें आप देख रहे हैं, इसमें इनका कहना है कि इन्होंने सिर्फ जो गोट की है वो अपग्रेडेशन की है, तो यहाँ पे जो इसकी ऑफिशियल प्राइस निकल के आ रही है वो 75,000 है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे दे दूंगा, और इस तरह की ये कुछ बाइक नज़र आती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बाइक भी पसंद आई, और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।